रास का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण और राधा की छवियां हमारे आंखों के सामने अकस्मात ही आ जाती है। रास प्रेम की पराकाष्ठा का द्योतक है, इसने प्रेम को एक अलग ही आयाम दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम की परिभाषा के मर्म को एक अलग ही तरीके से संपूर्ण सृष्टि के सामने उजागर किया है। भगवान श्री कृष्ण और राधा का यह प्रेम अद्वितीय और अलौकिक है। प्रेम एक दूसरे को सिर्फ पाना नहीं, अपितु एक दूसरे के लिए स्वर्वस्व को न्योछावर करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का विवरण रास के रूप में हमें देखने को मिलता है। रास की झलक का एक अहम अंश त्रिपुरा में भी देखने को हमें मिलता है। इसका प्रदर्शन मणिपुर संप्रदाय के लोग यहाँ पर करते हैं। इस बार 219वां रास यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। मणिपुर संप्रदाय की लड़कियां गोपियां बनकर विभिन्न साज सज्जा में सुसज्जित होकर नृत्य का प्रदर्शन करती है। विभिन्न जाति वर्ण भेद के लोग सारी रात यहां पर आकर प्रस्तुत होते हैं। रास तन का नहीं परंतु आत्मा से उस अदृश्य परमात्मा का मिलन है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे ब्रेकिंग अपडेट्स देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज द पब्लिक इंटरेस्ट को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।